हेलो जी, आपका नाम गगनदीप? हाँ जी जी नमस्कार, हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ओके। हम आपको आपकी भाषा के लिए सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए हम आपको दिल्ली के सचिवालय में इनवाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए वी विल सेंड यू दी एयर टिकट्स एज वेल। एक मिनट सर, आपको मेरा नंबर किसने दिया, कहां से मिला? आपका नंबर हमें विभाग से मिला है, और वहाँ के जो सचिव अध्यक्ष है उनके अंदर में एक उपाध्यक्ष रहते हैं, तो उपाध्यक्ष जी से आपका नंबर मिला है। अच्छा, उन्होंने आपका नाम रेफर किया और कहा कि आपको सम्मानित करना चाहिए क्योंकि आपका कंट्रोल बहुत सही है और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। अरे अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये कैसे, मतलब कहाँ से ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है, बहुत सारी चीजें। आप मुझे बताइए, प्रेमचंद की कहानियाँ किसने लिखी? ऑब्वियस बात है, प्रेमचंद जी ने। सही जवाब। हमने कहा था ना, देखिए आपका छुपा टैलेंट है जिसके बारे में आपको खुद को नहीं मालूम है। अरे सर, आप बातें कर रहे हो। कबीर, कबीर के दोहे किसने लिखे बताइए? ऑब्वियस है कबीर, आप कैसे क्वेश्चन पूछ। सही है ना, देखिए आपको इतना नॉलेज है। देखिए आप संकोच ना करें। रहीम के दोहे किसने लिखे? अरे पागल, रहीम के दोहे रहीम ही लिखेगा, पागल आगल है क्या? कुछ भी। और हम आपको दिल्ली सचिवालय बुला करके ये अवार्ड देना चाहते हैं, और ये अवार्ड आपको राखी सावंत हैंड ओवर करेगी। अरे ये दिमाग तेरा खराब है क्या? कुछ भी, पहले तो मदर इंटरनेशनल बिलाना डिगाना अवार्ड दिला रहे हो, ऊपर से ये राखी सावंत कहाँ से, कौन सा अवार्ड है, कहाँ से कौन दिमाग पे। अच्छा एक बात बताइए, मिर्जा फुरकान जो है उनकी शायरियाँ किसने लिखी? मिर्जा सुल्तान की सारी कहानियाँ स्टोरीज है उनके नौकर ने लिखी था, बता। सर आपने ये जवाब भी देखिए, बिल्कुल सही दिया, एकदम सही जवाब सर। मिर्जा फुरकान साहब की शायरियां वही लिख करके देता था उनका नौकर, मिर्जा फुरकान अपने नाम पे चेप दिया करते थे सर मार्केट में। सर आप तो मतलब कमाल है, कहाँ से आई सर आपको ऐसी नॉलेज? जूतियों की दुकान है, मैंने जूतियां दिमाग खराब करके रह दे। सर इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है सर, क्योंकि आप भाषा का जो सही इस्तेमाल करते ना, जो आप अभी कर रहे हैं। मैं तुझे भाषा सिखाता हूँ, तू सामने आप तेरी लाशें बिछा देनी है यहीं पे। सर आप जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं ना सर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में, ये भी भाषा है सर एक तरह की, मतलब गालियां देना भी एक तरह से भाषा है। नहीं सिखाऊंगा भाषा। सर मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या कर रहे हो यार, इतनी गालियां। भाई आपको ये अवार्ड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि आपने अपनी गालियां खुद से क्रिएट कर रखी है। अरे हेलो, सोसाइटी में रहते हैं ना, पंकज जी नाम है आपका। जी आप कौन? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा था, आपके नाम की यहाँ पर टिकटें आई हैं बैंकॉक की। अच्छा, ट्रैवल पीरियड है सर आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का। बैंकॉक की टिकट मतलब समझा नहीं है मैंने, कैसे करवाया ना बुकिंग? नहीं नहीं, आपने नहीं करवाई है, ये किसी ने करवाई है आपके लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैंने ऐसे करवाया। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 6-7 लोग आए थे हमारे पास में। अच्छा, बोल रहे थे कि पंकज जी को होली के टाइम में कलकत्ता शहर में नहीं रखना है, उनको बैंकॉक भेज दीजिए। मतलब क्यों भाई? नहीं वो बोल रहे थे कि पंकज जी जैसा छिछोरा मी कुत्ता कमीना लिच्चड़ छिपकली टाइप छुछुंदा टाइप आदमी नहीं हो सकता। अबे, अबे, तो बोल कौन रहे हो? एक मिनट सर, मैं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था सर, ये वो बोल रहे थे। सर मैं तो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हूँ सर, मैंने तो खाली टिकटें बुक करी है। ये बोल के चला जाएगा तो उसकी टिकट बुक कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने बोला, नहीं सुनो भाई मेरे, होली पे कैसे खेलते, होली नहीं रंग नहीं लगाते हैं क्या? छिछोरा कैसे बात कर रही यार तुम? उन्होंने बोला है कि आप बड़े गंदे तरीके से होली खेलते हैं, मतलब आपको तमीज नहीं है होली खेलने की, और आप ना खाली होली का इंतजार करते हैं, भाभियों को रंग लगाएंगे, भाभियों को रंग लगाएंगे, हाय भाभी होए भाभी बस चले तो आपके हाथ कहाँ कहाँ ना पहुँच जाए, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे आपके हाथ। क्या हुआ भाई मेरे, होली में तो सब चलता है यार, बुरा ना मालूम होगा। इसीलिए सुन सुन, मुझे ना सिखा, और ये कौन तुम पहले दोनों के दोनों कुत्ते के पिल्ले साले सामने आओ साले, भाभिया क्या आजा तेरे भी रंग लगा दूंगा मैं। आपने पिछले साल क्या स्विमिंग पूल में ऐसे घुस करके पैंट हवा में ऐसे करके आगे करके पीछे किया और लोगों को बोला मैजिक देखो? तो किया तो तेरा क्या जा रहा था साले कुत्ते कमीने? पानी जो आपको दिया था पीने के लिए वो ऐसे पी करके फिर स्विमिंग पूल में आपने थोड़ा सा पानी फेंक भी दिया था कुल्ली करके। हाँ तो क्या हो गया इसमें, क्या सब करते हैं, सब करते हैं। और स्विमिंग पूल में आपने सुसु भी करी है सर? सब करता हूँ मैं, करता हूँ मैं। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको होली के टाइम में कलकत्ते में नहीं रहना चाहिए, भाभी भी सुरक्षित रहेंगी और लोगों की होली भी बड़ी शानदार तरीके से निपटेगी। जमान खींचो, तुझे बताता हूँ मैं कैसे होली मनाते हैं। आजा तुझे सर बैंकॉक जाइए, वहाँ पर आपके साथ होली खेलने वाले बहुत मिलेंगे। अच्छा साला कमीना, तो हंसेंगे नहीं? त्योहारों के मौसम में दिमाग खराब कर रहा है? त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अबे तू कौन होता है, मुझे सिखाने वाला हेडमास्टर है तू कहीं का साले, मेरा बाप मत बन तू। मैं हेडमास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी आवाज रेड एफएम पे जा रही है और सारे लोग सुन रहे हैं और आपका नाम भी ऑन एयर गया है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण भाई यार क्या कर रहे हो यार, आपके फैन है यार हम, आप तो यार कम से कम ऐसी इंसल्ट मत करवाओ यार। देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो स्विमिंग पूल में सुसु मत कीजिएगा। हाँ ठीक है भाई, आपने मना करके पक्का मैं मानूंगा। और भाभियों से थोड़ी दूरी मेंटेन। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल।
हेलो, माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत, कहिए। आई एम अ डाइटिशियन एंड अभी वर्ल्ड फिटनेस डे आने वाला है। अच्छा, आपका नंबर हमें आपके जिम से मिला है, तो वी वांटेड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज योर डाइट, आप क्या डाइट फॉलो करते हैं? वही हल्का फुल्का खाना ज्यादा, मतलब अवॉइड करता हूँ। और नहीं, आई थिंक हल्का फुल्का तो नहीं है आपका खाना। किस तरीके का फूड लेते हैं आप? सब्जियाँ ले लेता हूँ, फ्रूट लेता हूँ, बाहर का अवॉइड करता हूँ। मसालेदार होता है? हाँ, मसालेदार लेता हूँ हल्का। बट ये सब जान के आप करेंगे क्या? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? आप छिलके वाले फूड थोड़े ज्यादा खाते हैं ना? हाँ खाता हूँ, बट व्हाट डू यू वांट टू नो एग्जैक्टली? आपको मालूम है कि जो टिश्यू पेपर आप इस्तेमाल करते हैं करने के बाद वो रीसाइकल होता है? ये सारी दुनिया को पता है कि रीसाइकल होता है सारी चीजें, बट द थिंग इज दैट यू नो द टिश्यू पेपर व्हिच यू यूज, ठीक है, वो रीसाइकल नहीं हो पाता। क्या घटिया बातें कर रहे हैं आप? सर मैं डॉक्टर होने के नाते ये बात आपको बता रहा हूँ। ये क्या आप क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा है, देखिए मैं अभी उसी फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर रिसाइकलिंग होती है। अच्छा, और आपका जो टिश्यू पेपर है उसमें छिलके बहुत लगे हुए हैं। यार छिलके इतने हैं ना कि मशीन में जब वो जाता है पेपर रिसाइकलिंग के लिए, मशीन पूरा। क्या बातें कर रहे हो यार? हमारी बातों पर विश्वास यार, तुम्हारी बात पे क्या यकीन करूँ यार? क्या देखिए, पहले हम फैक्ट्री आते थे, 8-9 घंटा कुछ काम करने को होता नहीं था, तो आराम से बैठे रहते थे। कौन बोल रहे हैं? अरे यार हमारी बात सुनिए यार, जब से मतलब आपका टिश्यू पेपर आने शुरू कर दिया है पूरा मतलब मशीन में पूरा काई जम जाता है। तुम क्या घटिया छिलका छिलका कौन हो तुम लोग यार? आप ना थोड़ा टमाटर खाना बंद कर दीजिए। छी छी, वो लाल वाले जो छिलके, देखिए देखिए डॉक्टर साहब, देखिए देखिए फिर निकल रहा, देखिए मशीन जो है अरे उड़ रहा हवा में, उड़ रहा मशीन। मशीन को भी पता ही, उनका पेपर निकाल के फेंक देना है। हेलो यार, एक मिनट, आप तो ग्रोस आप जो कर रहे हैं वो ठीक? अपने हाथ से पूरा ऐसे ऐसे घिस घिस के हम निकालते हैं पूरा मशीन से। छी छी छी, और हाथ साफ करते हो कि नहीं? अरे ऐसे तो धोते हैं यार। सुनो, तुम जो भी बात कर रहे हो ना, पहले तो गाली देने के लिए वाह 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 एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? टमाटर के डॉक्टर साहब हाथ मत रखिए, वहाँ पर उनका छिलका लगा हुआ है। सर पर भी छिलका लगा हुआ है सर, टमाटर का छिलका, आलू का भी डाल देना, खीरा भी डाल देना यार। तुम डॉक्टर, ये जो पेपर है, ये जो पेपर है इसका तो बच्चे हवाई जहाज भी बना करके उड़ा नहीं पाएंगे, उसमें भी उनको मतलब टमाटर का छिलका मिलेगा। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं कि तुम फोन किसको की हो? हाँ, किसी को फोन मिला दियो? नहीं नहीं नहीं, हमको मालूम है सही जगह पर फोन लगाए हैं, ठीक है। इट अफेक्ट्स, हाँ छी जम गया, छोबड़ा से निकाल रहा। 9 घंटा पहले फैक्ट्री में इसी बैठे रहते, जब से इनका पेपर आना शुरू हुआ है ना। जी जी जी, हेलो सर। हाँ बोलो। बड़े प्यार से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। तो आपको बता दें कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और हम आपका गंदा मजाक कर रहे थे और मुर्गा बना रहे थे। बिल्कुल ही खाना खाने। ए मां, आज तो रेडियो पर गंद फैला दीजिए हमने। हेलो, मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकोस, बताइए। बेटा कितने पुरानी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एक्सक्यूज मी, वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस। बेटा कितने सालों से आप दवाइयों के काम में हैं? 15 साल हो गए मेरी दुकान को। घर पे दवाइयां डिलीवर करते हो? हाँ हाँ, हमारे यहाँ डिलीवरी जी। तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो, मैं ऐसे खींच के फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। 9560। अच्छा बाकी छोड़ो, ये बताओ बेटा, सर्दियों में जैसे हॉट फटते हैं तो लोग क्या लगाते हैं? गर्मियों में क्या फटती है? मतलब बोलते ना, अरे बाप रे आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो वो फट गई, वो मतलब मालूम है ना वो। आपको दवाइयाँ कौन सी ऑर्डर करनी है? पहले बीमारी बता रहा हूँ ना, गर्मी में क्या फटती है? फटती है, जानना चाहता था कि उसके लिए क्या दवाई है। फटने की दवाई चाहिए? होट फटने की हो सकती है तो बेटा उसके फटने की भी होनी चाहिए ना। एक काम करना, हाँ, सुई धागा ले, हाँ, छील ले। फिर तो मुझे वो सिलाई कढ़ाई वाले के पास में जाना पड़ेगा, मैं दवाई दुकान में क्यों कॉल करूंगा? मैं यहाँ टाके पे लगा लेता हूँ, मैं तेरे पे लगा दूंगा। कितना लेते हो आप टाकों का? ये काम मैं फ्री में करता हूँ, तो बता कितने टाके लगाऊं? बेटा वैसे तो बहुतों की फटी पड़ी है, मतलब सिलते सिलते तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। देख दूसरा इलाज भी है मेरे पास। हाँ बेटा, खोल के कूलर के आगे खड़ा हो जाए, कूलर चला के 3 पे। अच्छा बेटा, रहेगी ठंडी, तू भी रहेगा ठंडा, और ये जो फालतू की कर रहा ना तेरे, अगर नाक में जैसे ठंड लगती है वहाँ पे ठंड लग गई तो फिर वो बहेगी, फिर तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। तुम खाली अपना धंधा देखते हो, है ना? नसूड़ो में ना फसा दूंगा। नहीं है बेटा कूलर, हाथ के बल खड़ा हो जा। हाँ खोल दे, ठीक है बेटा। इस उम्र में रामदेव वाली चीजें क्यों बता रहे हो बेटा? दिक्कतें भी तो इसी उम्र में शुरू हुई है ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिक्कत हो रही इससे? बहुतों के मतलब ऐसे फटती है ना गर्मी आते के साथ ही। तू एक काम कर, हाथ पे बल खड़ा हो जा और अपने टांग चीर दे, ठीक है? पंखा ऑन कर दे 5 पे, लेकिन हाँ रूम में किसी को मत रखियो। क्यों बेटा? गलती से तू पार पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बेटा ऐसी गंदी आदत नहीं है हमारी तुम्हारी तरह। अच्छे साले मोला खाने वाले साले इसक बोल के तू बताएगा गंदी बातें।
बेटा एक चीज जाननी थी मुझे, देखो अभी भी कुछ जानना इतनी जलालत के बाद। C6H12O6, C4H10, C8H18 बटा ग्लूकोज ब्यूटेन ऑक्टेन फेल साले बीकर थी शकल के। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और अबे यार प्रवीण भाई ये क्या मैंने तो पूछा सर्दी में होंठ फटते गर्मी में क्या फटते, आपने खुद ही बताया वो फटते। हेलो जी, करण बोल रहे हैं? हाँ जी करण, कल आप नेहा के साथ में डेट पर गए थे वैलेंटाइन डे पर। आप कौन बोल रहे हैं? मैं नेहा का भाई बोल रहा था। हाँ बोलिए। आई जस्ट कॉल टू से समथिंग। देखो हमारी बहन को हमने बड़े नाजों से पाला है, टेडी बियर गिफ्ट करा ना तुमने, ऐसा यार कि इतना चिंदी गंदा छाप टेडी बियर देने की क्या जरूरत है? आप कैसी लैंग्वेज में बात करें? आई नो कि आप मेरी मतलब गर्लफ्रेंड के भाई हैं, पर व्हाटसोएवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, मतलब आपने टेडी बियर देने से पहले सोचा आपने एक बार भी कि टेडी बियर के पीछे लिखा हुआ मेड इन मंगला हार्ट? इट्स अ गिफ्ट, गिफ्ट गिफ्ट होता मानता हूँ, लेकिन इतना और इतना चीप किस्म का गिफ्ट भी नहीं होता भाई। हमने बहन को बड़ी नाजों से पाला है भाई, आप नेहा के भाई हो ना, इसलिए मैं सब सुन रहा हूँ। अरे तो बचपन में उसको दिक्कत होती थी तो इंडियन हटा करके हमने वेस्टर्न टॉयलेट लगाया ताकि बैठ के कर सके, इतना ख्याल रखा है हमने हमारी बहन का। हाँ तो ठीक है, आप भाई हैं, मैं भाई नहीं हूँ, ठीक है ना, मुझे मालूम है कि मुझे कैसे भाई ना? ये तो नकली है, ये देखिए ये टेडी बियर भी नकली है, लोगो भी उचड़ रहा है, लोगो भी उसमें उचड़ रहा है। हा? यार मतलब बाइक वाइक पर घूमते हो, मतलब गिफ्ट देते टाइम में तुमने इतना चिंदी बना कैसे कर दिया भाई? इट्स अ गिफ्ट, होप यू अंडरस्टैंड गिफ्ट क्या होता है। मैं काम करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा प्यारा लगा वो मैंने लेके दे दिया। हम तो करते हैं, यहाँ का बैकग्राउंड ऐसा है, हम तो करते हैं। क्या है ना कि हम गिफ्ट हमारी बहन को मिलते हैं लेकिन खेलते तो हम भाई लोग हैं उससे। देखो भाई मुझे लग नहीं रहा कि तुम नेहा के भाई हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरीके से बात करे। गिफ्ट दिया भी होता तो ऐसा दिया होता कि हम किसी और को दें तो मतलब काम में भी आए। साला ये तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। टेडी बियर में एक आंख देखी उसकी, टेडी बियर की एक आंख दक्षिण में देख रही है तो एक आंख पूरब में देख रही है। आंखें तो सही जगह पे स्टिच कराई होती है टेडी बियर की। तुम बोल कौन रहे हो? तुम बोल, नेहा का भाई बोल रहा हूँ। सुनो और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। अगर तू असली में नेहा का भाई है ना फोन करके बोल देना। और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरे साथ में भी वैसे ही हुआ, मेरे बहन के साथ में। साला वो आया था बाइक लेके और कल वो सुबह लेकर गया था। साला शुरुआत क्या सुबह का कचौड़ी से। तो अब बोलो आपने कचौड़ी खिलाई थी मेरी बहन को? कौन बोल रहा है भाई, नाम बोलो। आपको मालूम है नेहा का कचौड़ी खाने से पेट खराब हो जाता है? एक बार उसका पेट खराब होता देखा है, आंखों से देखा है भाई, खिलाते हुए कचौड़ी। एक बार पेट खराब होता है ना तो नेहा के अलावा घर में और कोई नहीं रहता है फिर, क्योंकि पूरा घर महक जाता है। बोल कौन रहे? अरे मो बोले कस्तो अलि सुन पता है चिने को छैन मलाई अन्त अहिलेसम्म सुन बोले म यत्रो बोले 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 के बोले थाहा छैन अन्त कौन बोल रहे हो? हेलो करण जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मैंने यहाँ का भाई नहीं बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने टेडी बेयर दिया है? और नेहा ने खुद ही आपका नंबर दिया। हेलो जी विवेक जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपका पूरा अकाउंट मैं मैनेज कर दूंगा, बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके बदले में। कौन सा काम? मेरी बहन है, उसने आपको देखा साइंस सिटी के पास में, पहले डायनासोर हुआ करता था ना। हाँ हाँ। जी उसकी के ठीक नीचे में आप खड़े थे बस स्टॉप पे, तो लैंग्वेज मत जाइए सर, वो डेट पर जाना चाहती है आपके साथ में। पहली बात मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ। जाएंगे मिलेंगे तभी तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना। मुझे मिलना ही नहीं भाई। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है सर। भाई जिंदगी का मेरा भी सवाल है ना। जाकर तो देखिए सर, बहुत प्यार से कहा था कि डायनासोर के नीचे जब आप खड़े थे ना बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर भाई क्या पागल वागल हो क्या? किसी और को करो फोन। हेलो, सुंदर है, सुशील है, क्यूट है। कौन बोल रहा है? घर में छेतिया स्वभाव लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? कौन हो कौन भाई? अरे थोड़ा देर पहले मेरा वो सुशील भाई फोन किया था ना तुमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको बोले रहे भाई तुम्हारा। हाँ, अरे वो परिवार में एक तो वैसा डैमेज पीस निकल गया, हम लोग का तो क्या ना बंदूक बंदूक का काम है। अब ऐसा देखो भाई, तुमको सीधा सीधी बोल रहे हैं, ठीक है, हमारी बहन के साथ में डेट पे चले जाओ। तुम्हारी बहन क्या बोझ है क्या घर में? एक बार भाई कर रहा है वो ले जाओ, एक कर रहा वो ले जाओ। बहन ने एक बार मुंह से बोल दिया कि आपके साथ जाना है तो जाना, उसने कहा कि डायनासोर के नीचे आप खड़े थे बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम अपना
पांच हफ्ते पहले बंद करो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल हमसे मिल रही है भाई साहब, हम तो सोचे खाली डेट पे भेजेंगे, लेकिन अभी लग रहा है आपको जमाई बनाने लायक आप एकदम। मुझे बनना ही नहीं तुम्हारा दामाद। देखिए शादी का टेंशन मत लीजिएगा, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, दो टू किडनैपिंग करवाएंगे हम लोग, पूरा शादी का पैसा उठ जाएगा। ए किडनैपिंग करवाएंगे का इंतजाम करो रे, दीदी की शादी होगा। ए दीदी की शादी होगी। फोन रखो, सुबह सुबह दिमाग का दही कर दिया। हेलो, पोती बात करना चाहती थी आपसे। कौन बोल रहा है भैया? बेटा तुमको देखा था ना वो डायनासोर की के नीचे में। अबे यार बात कर रहा है, कौन है तुम्हारी लड़की? मान गया, मान गया लड़का, मान दिया। ले बात करो बेटा। विवेक जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। घंटा प्यार कहाँ दे दिया मेरे को जी? आपको वो डायनासोर के बड़े वाले के नीचे देखा था ना मैंने, नाम हमारा विमला है। पागल हो क्या? विवेक जी, विवेक जी एक बार चलो ना मेरे साथ डेट पे, हम आपको मुआ करना चाहते हैं। ओ ओ ओ, ओ मैं ये सब पढ़ता ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी समझे। विवेक जी हमारी बहन एकदम मर्दाना है, हमारा तो काम एक ही रेजर में भी हो जाएगा। मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है? विवेक जी आप मेरा शेव करना, मैं आपका शेव करूंगी। शेविंग मनी टुगेदर। बहुत दिनों विवेक से हम बात कर लेते हैं। भैया इसको मनाओ ना भैया, मनाएंगे अरे, इसके घर में घुस के इसको उठा करके लाएंगे। कैसे नहीं शादी करेगा तुमसे? सारा तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बहन वैसे ही है, तो चौराहे पर खड़ी कर लो ना, ले जाओ ले जाओ डेट पे, ले जाओ डेट पे, ले जाओ पूरे म्यूजियम। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से आपका मुर्गा बनाया जा रहा था, मत जाना, मत जाओ हमारी बहन के साथ में, ठीक है? बट विवेक जी यू ब्रोक माय हार्ट। हेलो, हार्दिक जी से बात हो रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था? हाँ। जो देख करके लग रहा है आपका अभी पासपोर्ट, आई डोंट थिंक ये सैंक्शन हो पाएगा। सर जी क्या गलती हुई उसमें? गलती आपकी मार्कशीट जो आपने साथ में जमा करी है ना सर, उसमें है। सो मार्कशीट में क्या वेरिफिकेशन गलती आया, क्या हुआ? मैथ्स के जो मार्क्स थे उसमें कंपार्टमेंटल लगा हुआ है, तो उससे क्या ऐसा क्या पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट ऐसा क्या कि फॉरेन कंट्रीज के लिए बनवाया जाता है, कि अगर आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में और इंडिया की करेंसी को फॉरेन की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है। आप वहाँ जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। बचपन की मार्कशीट थी, अभी तो हम कारोबार करते हैं। देखिए एक तरीका है, हमारे यहाँ पर पासपोर्ट में अभी एक नया ऑप्शन आया, जाहिल पासपोर्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मतलब बहस करनी है तो आप बहस ही कर लीजिए, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा? हिस्ट्री आपकी इतनी खराब है, मार्कशीट में मार्क्स मत देखो तुम। भारत के इतिहास के बारे में आपको बहुत मालूम है? अरे तुम्हारे बचपन का कक्षा देखिए बता देंगे तुम्हारे क्या है? आप मुझे ये बताइए दांडी मार्च के बारे में जानते हैं आप? अरे हाँ जानते हैं, गांधी जी निकाले। तो ये बताइए दांडी मार्च में गांधी जी के तीन रो पीछे लेफ्ट में कौन खड़ा था? तुमको मालूम है गांधी जी ने उस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने थे? सादे मालूम है हमें, मालूम है उस दिन गांधी जी ने क्या समोसे या क्या चाट पूरी खा के नाश्ता करके निकले थे? क्या बोले आपने अभी तक अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं करा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी इंग्लिश खराब है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? आई एम अ पासपोर्ट ऑफिसर। तो ये ऐसा इंटरव्यू साला आज तक कभी किसी ने लिया नहीं है, तो पासपोर्ट भी आपका बनेगा नहीं, इस बात को लेके जाएंगे। ज्योग्राफी आपकी इतनी खराब है, आप मुझे एक बात बताइए, आप जहाँ पर खड़े हैं उस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है? भाई भाई पासपोर्ट से इन सब चीजों का क्या लेना है? आप रशिया घूमने के लिए गए हैं, आपको वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल नेचर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप अगर कहीं खो गए तो इस हिसाब से तुम लोग नेताओं के पासपोर्ट क्यों बनाते हैं और क्यों जाते हैं वो लोग बाहर? वो तो हमसे ही ज्यादा जाहिल है। नहीं वो पैसे देते हैं ना हमें? तो मैं भी तो दे रहा हूँ, अलग से पैसे देते हैं। कितना भाई चाहिए तेरे को? मुझे बस एक चीज बता दीजिए, ऐसे ग्लोब घुमा करके छोड़ेंगे और आपकी उंगली ऐसे रखवाएंगे जहाँ कहीं भी रुक गया, आप बता पाए? करूँगा तेरी तुम क्या, तुम कहीं का भी ऑफिसर हो। दांडी मार्च में जी के में कौन था? पासपोर्ट ऑफिस खुल जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन। सर वो जाहिल वाला दे क्या? जाहिल गवार वाला जो पासपोर्ट है, पीली रंग का ले लीजिए। तेरा बाप, मैं देखता हूँ तू कैसे बनाता मेरा पासपोर्ट। तू है कौन? जी आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका जाहिल पासपोर्ट बनवा रहे थे। अरे अरे भाई क्या कर दिया तुमने? दांडी मार्च में गांधी जी के तीन। हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम दिवाकर है और मैं matrimony.com की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें आपसे जाननी थी सर। ओके बोलिए। शर्ट कहाँ से सिलवाते हैं? शर्ट तो मैं धमतला सिलवाता हूँ, मेरे एक दुकान है वहाँ पे। पैंट कहाँ से सिलवाते हैं? मेरे जान पहचान का जमील भाई का दुकान है, वहीं से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, लिख ले भाई जमील भाई हम। और आप हेयर कट वगैरह कहाँ से करवाते हैं? मोहल्ले में ही एक इटालियन। ठीक है, एक काम करो ऐसी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देना, आप लोग पहले रोक लेना ऐसा, ठीक है? हेलो हेलो करो, ऐसा लग रहा हावड़ा हावड़ा कंडक। हेलो हाँ जी बताइए। ब्लॉक क्यों कर रहे हैं मेरा प्रोफाइल? आपकी जो शक्ल है ना बहुत गंदी है, इतना खर्चा करने के बाद में भी सूट नहीं कर रहा है।
क्या मतलब है सिर्फ, क्या बोल रहा हूँ आपको, उल्टा फुल्ला बोल रहे हैं आपको, हकीकत से रूबरू दिखा रहा है आपको, आईना दिखा रहे हैं। मैं जूता कहीं से भी लूँ, मैं शर्ट कहीं से लूँ, पैंट कहीं से लूँ, मतलब नहीं, नहीं, लेने में पर्सनालिटी में बहुत अलग डिफरेंस है। लेते तो हम भी वहाँ से, लेकिन हम पे अच्छा लगता है, आप पे नहीं लगता है। 5000 रुपए देके मैं प्रोफाइल खुलवाया, 5000 ढंग से बोल लीजिए फिर बात कीजिएगा। क्या बोल रहे हो, तुमको पता है मैं जीजी कौन है? ऐसा ही है हमारा जीजी कौन मालूम, कसाई है। ज्ञान लोगे मेरे से? काय का ज्ञान? ये जो व्हाइट शर्ट के ऊपर में काले काले बटन लगाए हुए हैं, उसमें बीच में एक ब्लू कलर की बटन है, उसको ऑरेंज धागे से सिलाई नहीं करना चाहिए कम से कम। हम क्या सिलाई नहीं करें, क्या पहने नहीं, गंदा लगता है भाई साहब, बाहर भी गंदा तुम्हारा। और एक ज्ञान की बात दे दूं, लगे हाथ बोलिए, बोल रहा बोलिए, गलत बात नहीं बोलिएगा, बता दिए। पैंट की चेन है खराब हो जाती है, उसको बदलवा लीजिए, धागा से सिलाई करके और मोम रगड़ करके कुछ नहीं होगा, ये बहुत गंदी आदत है आपकी। फोन रख साला, मजाक कर रहा है, बहुत गंदा लगता है आप, बता रहे कसम से। आदमी है साला। हेलो हेलो जी, सुनिए ना, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, बहुत गंदे लग रहे हैं, वो आपका चेहरा है ना ये बहुत छोटा। हेलो 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 मैडम जी, ये क्या बोल रही हैं? नहीं नहीं, आपका मुंह इतना छोटा है और शरीर इतना बड़ा है, क्या बोल रही हैं? कैसे होगा मतलब? ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस आदमी का मुंह छोटा उसका। अरे तुम फिर आ गए क्या, क्या कर रहे हो तुम? आप जहाँ से शर्ट सिलवाते हैं ना, मत सिलवाना, बहुत गंदा है जी। हाँ एकदम, उन लोगों को बोल दीजिए ऐसे शर्ट ना सिले। पता लो किससे बात कर रही है? हाँ हाँ, जिसके जिया जी ऐसा ही है, मोम मत रगड़ा कीजिए। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा जी जी ऐसा ही है, उसमें डर नहीं लगता है जी? ये नहीं, आपका जो चश्मा है ना, वो चश्मा को बदल दीजिए, नहीं तो फिर 35 रुपए में खरीदा, 35 रुपए खरीदा 50। आपका हेयर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब बोले जा रही है, बोले जा रही है। बाल कहाँ से कटवाए आप? से कटवाए थे, बाल कटवाए थे मैंने जाके, अभी थोड़ी देर पहले तो बोला थे इटालियन से कटवाए थे। अच्छा इटालियन बोले थे क्या? कौन है भाई ये बता, मेरे कौन है? मैं आरजे प्रवीण हूँ, रेड एफएम 93.5 और आपका मुल्क अपना। कौन है आपकी जिया जी? अरे भाई जिया जी कोई नहीं है, तो मैं पर हमारे वाले कसाई है, बता दे रहे तुमको, है कटवा देंगे। हेलो मेडिकल, मेडिकल आपकी क्या बोल रहे हैं? दादा आप छाता रखते हैं? छाता আমার বাড়িতে বিয়ে আছে, দাদার বিয়ে, 200 জন গেস্ট আসছে। ও আচ্ছা, তো আমলোক কো 200 মেহমানো কে লিয়ে ছাতা দরকার ছিল, বুঝতে পারছেন তো আপনি? 200টা ছাতা তো বলো কোন ফ্যামিলি? হ্যাঁ কি ছাতা চাই আপনার কাছে? কি কি ছাতা আছে? মোতে বিউতে সে গভর্নমেন্টের, হ্যাঁ কি দরকার না দরকার, বড় ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডের দরকার। হ্যালো কোথায় গেলেন, চুপ করে আছেন? ছাতা কোন কোন সা সাইজ মে আয়েগা? কোন কোন সা সাইজ মে হ্যায় আপনি সাইজ মে? ছাতার হোম ডেলিভারি করেন? ছাতার হোম ডেলিভারি সব ডেলিভারি করে দেবো, আপনি অর্ডারটা দিন। মেটেরিয়াল কেসা হোগা ছাতা কা? মেটেরিয়াল ভালো হবে, কিছু যাবে আসবে, তাড়াতাড়ি বলুন। দাদা আপনি বহুত সারা ব্র্যান্ড বোলা, पाल का छाता है? पाल सब छाता बना है ना कि? नहीं, मैं तो वो बारिश से बचने वाला जो छाता होता ना उसका बात कर रहा था। डिस्टर्ब कर फोन रख, हमारा काज कम नहीं ना कि पाल छाता। हेलो हाँ, ऐसे मतलब ऊपर से काला होगा, अंदर से सिल्वर, ऐसे लंबा हैंडल वाला होगा आपके पास? की होवे हमारे कते ओइसा मस्त छाता नहीं, ऊपर से काला काला की दो के बारे। बड़ा हैंडल वाला छाता जो पकड़े तो मतलब आराम से वही हैंडल पार करे की दो हैंडल। सी वाले फोन करे जी, लैंग्वेज आपकी बहुत खराब है भाई साहब। नहीं आपका कुछ नाम नहीं है, सुबह सुबह फोन करके पाल का छाता मेडिकल का दुकान में मांग रहे। मेरा एक्चुअली में कोई काम नहीं है, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, हम आपका मुर्गा। ओ अरे यार आप लोग ये क्या करते हैं। हेलो, शाबाज बोल रहे हैं? शाबाज आप कौन? इंडिया के ओलंपिक फेडरेशन से बात कर रहे थे। अच्छा ये क्या है, पहली बार सुना? क्या क्या बोले, क्या बोले, क्या क्या बोले आप? हमने देखा आपकी मतलब बॉडी वॉडी आपकी एकदम कड़क है। अरे वो तो ऊपर वाले ने मतलब आपको लुक्स दिया है। अरे भाई छोड़ दो। हम चाहते हैं कि आप लॉन्ग जंप में भाग लें, आप भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। भारत को रिप्रेजेंट? हाँ, अटलांटिका में ओलंपिक्स हो रहे हैं तो फॉरेन जाना होगा। हाँ जी फॉरेन जाना होगा। आपके उसमें पासपोर्ट है? हाँ पासपोर्ट है मेरे पास। नहीं नहीं, हम पासपोर्ट साइज फोटो की बात नहीं कर रहे, पासपोर्ट मतलब जो वीजा वाला पासपोर्ट होता है ना वो। पासपोर्ट बनवाया मैंने। अच्छा बनवाया, तो कहाँ कहाँ गए आप? वैसे तो कहीं जा पाया नहीं हूँ।
आप बहुत मजाकिया हैं लेकिन कसम से बता रहे हैं। अब आप भातिया से बोल दिए तब तो हम लोग आपको एक सप्ताह की ट्रेनिंग देंगे। एक सप्ताह की ट्रेनिंग में हम लॉन्ग जंप कर लेंगे तो माशाल्लाह हमने आपको जो देखा है करते हुए हमें लगता है कि आप मतलब बुलंदियों को छुएंगे। आपने मुझे कब देखा? हमने आपको देखा है वो पार्क सर्कस पास में रेलिंग वेलिंग है ना, उधर ही से मैं रहता हूँ। हाँ तो हमने अक्सर आपको देखा वो रेलिंग आप टपक करके रोड पार कर लेते हैं। बहुत कमी है। नहीं जी हम ओलंपिक फेडरेशन से बोल रहे हैं, हम आपका कोई दोस्त शकील नहीं बोल रहे हैं। अबे बेटा बहुत मार खाएगा तेरे। भारत जो है वो इस वक्त बड़े शकीलों की घड़ी से गुजर रहा है, सॉरी मुश्किलों की घड़ी से गुजर रहा है और आपके मुल्क को जरूरत है। चुप रहेगा बेटे, बहुत बात कर रहे थे, मिलना शाम में, चाय वाय पीने क्या फिरकी ले रहा है? अरे लॉन्ग जंप करेंगे आप भारत की तरफ से, क्या चाय वाय पीने? चाय वाय आज से बंद आपकी, अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। ये जो रोज तुम मिलने जाते हो सकीना से, सकीना है वो नाम सही से ले, अब से सकीना से मिलना बंद आपका। तू बंद करेगा मेरा मिलना? मैं नहीं बंद कराऊंगा। देखिए आप ओलंपिक में जाएंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, हम फोन में घुस के मार देंगे, हम आखिरी बार समझा दे रहे, जो भी इज्जत से फोन ना निकल यहाँ से, हम आपको घर से उठवा लेंगे। जानता है किससे बात कर रहे थे? घुस पाक सर्कस में से घुस उधर घुसेंगे और उठा के ले भी जाएंगे। ये नाम बता अपना हमारे, एड्रेस दे कहूँ वो टायर फटा है चेंज कर, टायर फटा है चेंज कर, बटलिंग बाजी नहीं तो TMT बार कंपनी भी अप्रोच किया, वो आपको स्पॉन्सर करेगा, कहे कि आप जो है लोहे का रॉड ऐसे पकड़ के रास्ता में दोनों फाक कर दिए और फाक के बीच में से भी निकल जाते हैं आप। ये बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में, अब इज्जत से बता दे है कौन से। तो हम फॉर्म वॉर्म भेज दे आपके घर पे, फॉर्म वॉर्म डंडा लेके मारेंगे देखो, हम सकीना को उठा लेंगे, हम बता दे रहे हैं। बहुत सारा मन आया ना छूट देखा सकीना को, और सकीना नहीं सकीना है, सकीना समझा, सकीना तेरी बहुत मार खाने वाला, हमको तो कोई अंदाजा नहीं है किससे बात कर रहा है, तेरे को कोई आइडिया नहीं, असला तेरी मिलना है तो हमारी ऑफिस आ जाओ, रेड एफ एम 93.5 पर, मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना भाई। लेकिन कैसे कर लेते हो मतलब ऐसे रेलिंग उलिंग टप्पा खा करके पार कर जाते हो भाई? टैलेंट है सब, समय नहीं होता, मिलो अभी अच्छे से बताते हैं कैसे। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विशेष जी का, जिनको ज्यादा देर तक टेलीफोन लाइन पर रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा इनके दोस्तों ने बताया। अच्छा चलो हम ट्राई मार के देख लेते हैं एक बार, बजाओ बैंड। हेलो हेलो नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के आने वाले सीजन के प्री ऑडिशन में। अभी एक मोहतरमा आपसे 5 सवाल पूछेंगी जिनका जवाब देकर आप सीधे KBC के ऑडिशन में आ सकती हैं। अगर आप इस कॉन्टेस्ट में खेलना चाहते हैं तो कृपया एक दबाएं। मेरे लास्ट टाइम घर से ये बोल के निकली हूँ कि अगर बल्ली खुराना ने दोबारा इस चौखट पर पैर रख दिया मैं फिर नहीं खरीदाएगा बिल्कुल भी। एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ जी बेटे बोलो, बल्ली खुराना बात कर रही हूँ। मैम ये अभी अमिताभ बच्चन जी से रिकॉर्ड बात हुई थी, तो ये कौन बनेगा, मैं कौन बनेगा करोड़पति? आपकी अमिताभ बच्चन जी से बात हुई है? हाँ जी वो, तो फिर उन्हीं से बात कर लो, हमारे पास क्यों आए हो? नहीं उन्होंने बोला था कॉल ट्रांसफर होगा, आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। एक सेकंड होल्ड रहो आप, फिर दमाद जी ने बिल्कुल नहीं मुंह खोला अपने, कुछ भी नहीं कहते हैं, इसको खा, मैं कच्चा आम कैसे खाऊं बता, कच्चा आम दे दिया मेरे को, पूछ लीजिए, इसको चूस जा, कच्चा आम कोई चूसने का होता है तो बता। नहीं कुछ नहीं कर रही है, तो वापस नहीं लिए हुए हैं, कोई लगा हुआ लग। बेटे आज के सवाल सारे खत्म हो गए, आप कल फोन करना। ऐसे कैसे खत्म हो गए, राशन थोड़ी है घर का एकदम से खत्म हो गए, मैम प्लीज पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन है। ला फिर बता, अच्छा एक काम कर, मैं रुको इतने वेट करूँ? हाँ रुक जी, हमें साथ ही निकल लेते हैं, फिर ऑटो का भी 50-50 कर लेंगे। चला दादा कर लेंगे। मैम ये ऑटो कहाँ से आ गया बीच में? हमारी पर्सनल बातों में मत दखल अंदाज करो ना बच्चे। मैम आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद आप पर्सनल बातें करते रहना। हाँ जी, सबसे पहले तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। वेरी गुड, ये कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका, महेंद्र सिंह धोनी ने कहते हैं इसको वर्ल्ड कप जो था भारत को कौन से ईयर में दिलाया था? 2008 में। गलत है, छोड़ो जाओ आप फिर। मैम एक अब एक क्वेश्चन गलत हुआ ना, बाकी दो तो पूछ लीजिए। हाँ तो ठीक है फिर, आप कांग्रेचुलेशन, आपको 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है।
पंकज को मैं भेज देती हूँ, ये 2 लाख रुपए की आपकी इंश्योरेंस कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ, ये इंश्योरेंस नहीं, मुझे तो कैश दे दीजिए ना आप, कैश या नहीं, नहीं ये कैश या चेक से नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कर रही है, हमने एक नया तरीका बनाया इंश्योरेंस बेचने का। मैम मैं इंश्योरेंस का क्या करूंगा मैम? इंश्योरेंस का तुमने कुछ नहीं करना होता है, तुम्हारी बात तुम्हारे घर वालों ने करना होता है, जो भी करना होता है। मैम ये क्या समझ आ रहा था, आपने मेरे इतनी देर से आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ तो मैं भी मैम कौन सी हूँ? आप ऐसे किसी की फीलिंग्स के साथ कैसे खेलते हो? फीलिंग्स टेडी बियर फीलिंग्स है, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से भाई आशीष बोलो, दिल्ली का कड़क लौंडा आपका बैंड बजा रहे थे। भाई गौरव भाई की जानकारी के जितने भी बंदे हैं ना, सब अब्रॉड घूम कर आ रहे हैं, क्योंकि इनका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, पैकेज बेच रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, इन्हें भी जरा बाहर की सैर करा के लेकर आते हैं। बजाओ बैंड। हेलो सलाम वालेकुम, ये नाचीज का नाम गुलाबगंज में भी होता है, सुनने में आया है कि आप बाहर भेजते हैं लोगों को। हाँ जी जरूर सर। आजकल ये लौंडे लपाड़े बता रहे हैं कि ये थाईलैंड का है, कुछ हमें भी भेजिए जनाब। सर आप अकेले जाना पसंद करेंगे या फैमिली के साथ? भाई ये तो आप बताएंगे। अकेले जाना पसंद करते हैं ज्यादातर थाईलैंड। हाँ हमारे साथ वैसे हो भी नहीं पाएगा, हमारे खानदान में नहीं तो कम से कम 251 लोग हैं। अच्छा, इतने का लोग शगन नहीं डालते जितने के हमारे बाप दादा उन्हें, मतलब समझ रहे हैं। तो अच्छा तो बताइए फिर क्या है पैकेज जरा? सर 40,000 का पैकेज दे रहे हैं, इसमें आपको 4 डेज 3 नाइट्स का पैकेज है, इसमें हम आपको कैब प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपको होटल से रिसीव करेगी और एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी, पूरे थाईलैंड का साइड व्यू आपको मिलेगा। तो सर आपको 5-स्टार होटल दे रहे हैं हम। दे रहे हैं क्या मतलब, कितने फ्लोर? एसी रूम मिलेगा सर आपको। ये जो है आपने 40,000 जो बताया, हाँ जी, इसमें एक तो है कि साइट सीइंग है, साइट सीइंग है सर पूरा। हाँ तो हमको जहाँ तक लगता है कि साइट सीइंग तो हमारे यहाँ का जो नवासा जो गया हुआ है खालिद, तो उसको थाई भी आती है तो वो तो घुमा फिरा देगा सर। लेकिन साइड व्यू तो हमारे पैकेज में इंक्लूड होता है। नहीं तो काट दो फिर सर, वैसे कटता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे हो तो बहुत कुछ कटता है, हिंदुस्तान में बैठे हुए हो, क्या कटवाना है बताओ। चलो सर साइड सीन काट के आपका लगभग मिला के 38,000 हो जाएगा सर। अच्छा दूसरा मैं कह रहा था ये जो कैब आएगी लेने के लिए, हाँ जी, इसको भी माइनस कर दो। सर कैब तो आपको मस्ट है सर, आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगी आपको। अच्छा होटल वाले दे रहे हैं, हाँ जी। तो एक काम करो सुनो मेरी बात, इखलास का जो था बेटा गफूर जो है वो वहीं पे ही रह रहा है, अब वही हमें घुमाएगा और एक खालिद हमें घुमाएगा, तो अब घुमाएगा तो रह भी उसी की जगह रहेंगे। होटल भी एक काम कीजिए माइनस कर दीजिए। सर आपकी फ्लाइट की आने जाने की टिकट होगी जो आपको 26,000 तक की पड़ेगी। अच्छा सुनो मेरी बात, कि आते टाइम के लिए तो हमारी शबनम जो है इनका एक वाउचर पड़ा हुआ है, वो मैं डालूंगा तो 3,000 रुपए में आ जाएगा। सर ऐसे थोड़ी होता, आप कह रहे हो ये काट दो वो काट दो, जनाब अशरफुल्ला की बेटी सकीना पायलट बन गई है। ये तो कह रहा है कि अशरफुल्ला की बेटी पायलट बन गई, पायलट बन गई, अभी इम्तिहान क्लियर किया तुरंत। वाह आते वक्त इसके साथ आ जाएंगे हैं? अरे सर आप रहने दो, आप वैसे ही आपके दांत लड़खड़ा रहे हैं, आप पूरे पैकेज की आपने मां मैंने कर दिया सर। कैसे बोल रहा है, लाहौल वाला कुवत सकीना बंदूक चलानी जानती है, पायलट बनी है बताइए। सकीना को बंदूक चलानी भी पायलटों को मिलती है, पायलटों को मिलती है। तो कहते रहो सर आप सकीना के साथ जाओ हरिद्वार, वहीं पे आपकी जाने की उम्र है, वैसे ही भगवान आपको उठाने वाले 2-4 दिन में। उम्र नहीं।